वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं अहमद जावेद मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त होटल में हूँ और लाहौर में हूँ इस वक्त। तो आज रात की मेरी फ़्लाइट है 3 बजे की पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया, लाइक लाहौर टू ऑस्ट्रेलिया। तो अभी उसी के लिए चलते हैं, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो यार अभी हम जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, अपना सामान उठाएँगे और सीधा जाएँगे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो वहीं जाके आपसे मुलाकात होगी। सीन यूँ है कि हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट लाहौर के, और ये अभी हमारे साथ टीम भी आ चुकी है मुझे छोड़ने। और अभी आप मेरी है फ़्लाइट 3 बजे की दोपहर के, तो अभी चेक इन थोड़ी देर तक करेंगे और सामान सारा आ गया ऊपर है। ये सारा है लाहौर का एयरपोर्ट, और जैसे कि ये लगा हुआ है इंटरनेशनल अराइवल्स का बोर्ड। तो ये इंटरनेशनल अराइवल्स जो हमारी बाहर हैं जाना है ऊपर, हमारी फ़्लाइट का जो है टर्मिनल एम ऊपर है, वहाँ पे QR 621 का टर्मिनल पूरा ऐसे करके बना हुआ है, उसमें हमारा कतर एयरवेज और एयरलाइन का नंबर सब टाइम वगैरह वहाँ पे होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो आइए चलते हैं ऊपर। तो यार जो लोग कह रहे थे कि करेंसी एक्सचेंज का मसला आ रहा है, तो आप एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से डॉलर्स एक्सचेंज करवाए हैं 50,000 तक मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ पे मुझे रेट थोड़ा सा महंगा मिला है 135, लेकिन मजबूरी है तो चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, तो मेरे पीछे ये वेस्टर्न यूनियन का आ रहा है आपके पास, तो आप यहाँ से एक्सचेंज करवा सकते हैं। रेट लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी है। तो अब चलते हैं हम अपने डिपार्चर की तरफ। तो वॉइस सीन यूँ है कि हम आ गए हैं लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और मेरे साथ दो लोग हो रहे हैं मेलबर्न, और आपका नाम शोएब है, आपका नाम यार जैन भाई भी मिले हैं हमें यहाँ पे। इनकी फ़्लाइट मेरे से आधा घंटा पहले है, तो ये लोग मेलबर्न जा रहे हैं, मैं सिडनी जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, कुछ कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जिस मकसद के लिए जा रहे हैं पूरा करें, और स्टूडेंट्स के लिए भाई ये बड़ा अच्छा मौका है कि जितनी जल्दी हो सकता है चले जाएँ भाई, अभी कोई जल्दी जल्दी आप फ़्लाइट्स बुक करवाओ और ऑस्ट्रेलिया पहुँचो। तो अभी फ़िलहाल इमिग्रेशन और वगैरह सारी क्लियर हो गई है, ये मैं आपको ऑस्ट्रेलिया जाके सारी डिटेल बताऊंगा कि मैंने कैसे पास की इमिग्रेशन, कस्टम्स और बैग कैसे क्लियर किया। तो इसके बाद हम बैठेंगे एयरप्लेन में, तो उसके भी आपको व्यूज़ दिखाएंगे। गाइस ये सीन है, अभी मुझे काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि फ़्लाइट का अभी टाइम है 3 घंटे, तो मैं यहाँ ऊपर CPI पता नहीं लॉन्च है इसमें बैठा हूँ, तो अभी ऑर्डर किया है वो खाते हैं और टाइम पास करते हैं। एक तो था नहीं ना उतार वो बिजनेस क्लास। हम लोग आ गए हैं जी फाइनली एयरलाइन के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जहाज है, और वहाँ पे हमारा अंदर प्लेन है इस साइड पे, तो अभी अंदर चलते हैं और अपनी सीट पर चल के फिर फ्लाई करते हैं, ठीक हो गया। और ये है जी हमारा कतर एयरवेज।
आप देख सकते हैं उन्होंने मुझे एयरक्राफ्ट के अंदर एक ये पाउच दिया था जिसके अंदर ग्लव्स वगैरह थे और ये फेस मास्क था। ये ग्लव्स उन्होंने दिए हुए थे क्योंकि कोविड की वजह से। और इसके अलावा इन्होंने मुझे एक ये कार्ड दिया हुआ था, ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी सारी तरह, एमरजेंसी एग्जिट, सीट बेल्ट वगैरह सब, इवैक्यूएशन का। ये हेडफोन दिए हुए थे इंटरटेनमेंट के लिए। जैसे देख सकते हैं मैं ट्रेन में आ गया हूँ और मैं अपने टर्मिनल पे ट्रेन से जाऊँगा। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि मुझे अगले टर्मिनल तक जाने के लिए ट्रेन की ज़रूरत पड़ रही है। Thank you.